नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श शर्मा। हाल ही में मैं विदेश से लौटा हूँ और विदेश से लौटते ही छत्तीसगढ़ सरकार की मदद के द्वारा मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया है नया रायपुर में। आज मेरा 7वां दिन है और यहाँ की सुविधा 5-स्टार होटल से कम नहीं है। देश के पीएम से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। इनफैक्ट हमारे क्षेत्र के विधायक श्री विकास उपाध्याय जी सभी एरिया को अच्छे सेनेटाइज कर रहे हैं, सभी नागरिकों का ध्यान दे रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि एक व्यक्ति जो कुछ टाइम पहले विदेश से लौटा था, उसे नॉर्मल सर्दी खांसी हुई। सर्दी खांसी होने के बाद वो एक निजी डॉक्टर के पास जाता है, जो निजी डॉक्टर उसे नॉर्मल सर्दी खांसी की दवा दे देता है। उसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, वो एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसे फिर बड़े हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। बड़े हॉस्पिटल जाने के बाद उसका चेकअप होता है और उसे पता चलता है कि उसे कोरोना वायरस है। इस दौरान वो कितने सारे लोगों से मिल जाता है। वो डॉक्टर जिसे वो पहली बार गया था, उस डॉक्टर कोरोना हो जाते हैं और वो डॉक्टर डेली 100 से ज्यादा पेशेंट्स लोगों को रोज देखता है। सो, आप देखिए कितने लोगों तक वो कोरोना वायरस पहुंचा चुका है। सो, इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने भी यात्री जो है वो बाहर से आए हैं, अपने घर में हैं और सरकार तक अभी तक नहीं गए हैं, क्वारंटाइन होने के लिए नहीं गए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप अपने सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी जान के अलावा अपने परिवार की भी जान को जो है वो जोखिम में डाल सकते हैं। और सरकार जो है वो बहुत ही अच्छी सुविधा दे रही है। यहाँ पर मुझे 5-स्टार फैसिलिटी की सुविधा मिल रही है। आज मेरा 7वां दिन है और मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी सरकार पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सभी के सभी नागरिक जो हैं, हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी के सभी जो है वो मेहनत कर रहे हैं इतनी। सो, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के तौर पर कि हम अपने आप को जो बाहर से आए वो क्वारंटाइन करें और सेफ रखें अपने आप को, ताकि हम अपने परिवार को पहले सेव करेंगे, अपने सभी नागरिकों को सेव करेंगे, अपने देश को बचाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज़ अगर आपको कुछ भी सिम्टम लगता है, अपनी पहचान बिल्कुल मत छुपाइए, सरकार पे भरोसा कीजिए और जाइए अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए इससे पहले कि देर हो जाए।